अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो तमाम मेरे प्यारे दोस्तों का सवाल होता भी यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा। और भाई ऑस्ट्रेलिया ने जो बैंड बजा के रखी हुई है ना, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जगह देगा? पाकिस्तान अब भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएगा? सवाल बहुत बड़ा है जनाब, जवाब इफ एंड बट्स की सूरत में पाकिस्तान के लिए आपको मिलेगा। न्यूजीलैंड कंटेंडर, अफ्रीका कंटेंडर, पाकिस्तान कंटेंडर, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑल्सो। तो फिर सबको पता ही होना चाहिए कि इस वक्त कंपटीशन तगड़ा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने नदरलैंड को जो 306 रन से शिकस्त दी है, तो उससे ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट है वो काफी तगड़ा हो गया। हालांकि अफ्रीका से अब भी कम है, लेकिन अफ्रीका को आप मान के चल रहे हैं, न्यूजीलैंड को मान के चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में टाई हो सकती है, पाकिस्तान अफ्रीका में टाई हो सकती है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड में टाई हो सकती है। न्यूजीलैंड जिसमें सबसे ज्यादा दावेदार इस वक्त नजर आ रहा है, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों के दरमियान इतना फर्क नहीं है। तो यानी कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तीनों में से दो टीमें आगे जाएंगी। अफ्रीका भाई तगड़ा इस वक्त कंटेंडर है कि वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाए। पाकिस्तान के जो चार मैच रिमेनिंग है, बांग्लादेश वाला भी इतना हल्का मैच तो नहीं, हल्का तो अफगानिस्तान वाला भी नहीं था, वो भी आ गया चेन्नई में। तो बांग्लादेश वाला तो कोलकाता में है भाई, स्पोर्ट सारी बंगालियों की होगी और ये मैच भी तगड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को ना सिर्फ मैचेस तमाम जीतने हैं, जीत तो एक वर्ड आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रन रेट से जीतने हैं। अब बेहतर रन रेट हम जी अफ्रीका के खिलाफ करेंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ करेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ करेंगे? ये सवालात मार देते हैं, मत मार कर रख देते हैं फैंस की। लेकिन रियलिटी जो है वो ये है कि इफ्स एंड बट्स के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आगे जा सकते हैं, वरना और कोई रास्ता नहीं है। फलां फलां से हार जाए, फलां ये कर दे, फलां वो कर दे, तो ये है कि पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में जाए। अपडेट से चलेगी, लाइक जरूर कर देना चैनल पर, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।